नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसकी वजह से उसको सही तरीके से खाने पीने की और अपनी पूरी सेहत को अच्छा बनाने की जरूरत होती है, ताकि उसके शरीर में कोई भी ऐसी कमी ना हो जिसकी वजह से उसका प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर पड़ सके। जी हाँ, इन्हीं सारी प्रॉब्लम में से कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो देखने में काफी माइनर यानी कि बहुत ही साधारण सी होती हैं, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में किसी को भी हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे, बड़े या फिर बुजुर्ग। लेकिन जब भी बात आती है गर्भवती महिला की तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ मसूड़ों के दर्द की। जी हाँ, अगर आप गर्भवती हैं तो आपके मसूड़ों में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि जब भी हम ज्यादा मीठा खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से दांतों के अंदर कैविटीज का खतरा बढ़ जाता है, तो ना केवल हमारे दांतों को प्रभाव पड़ता है बल्कि उसकी वजह से हमारे मसूड़ों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी के चलते हमारे मसूड़ों में बार बार दुर्गंध आती है, कभी कभी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। लेकिन ये खतरा माइनर सा ही कहलाया जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस माइनर से खतरे को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपके होने वाले बच्चे पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप गर्भवती हैं और आपको ओरल प्रॉब्लम है तो आपको उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ओरल प्रॉब्लम होगी तो संभावना है कि जो भी बच्चे को आप जन्म देंगे उसे भी ओरल प्रॉब्लम हो। इसीलिए आने वाले बच्चे की भी अच्छे तरीके से देखभाल करें, उसके मसूड़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि छोटे बच्चों के दांत नहीं होते हैं। एक साल क्रॉस करने के बाद ही बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं। उससे पहले ही अगर बच्चों के मसूड़ों में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी तो दांत काफी लेट निकल सकते हैं। जब भी दांत निकलते हैं तो उसकी वजह से जरूरत से ज्यादा दर्द बच्चे को महसूस हो सकता है। इसीलिए इन सारी पीड़ा से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ओरल हेल्थ पर ध्यान दें, और यदि आपकी वजह से आपके बच्चे के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उस पर भी ध्यान दें। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।